मंच की अध्यक्षता कर रहे विपिन कुशवाहा जी, मंच का संचालन कर रहे हारून शैलेंद्र जी, मंच पर उपस्थित बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवर प्यारी चौधरी जी, माननीय पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता जी, माननीय विधायक हरिशंकर यादव जी, माननीय पार्षद विधान पार्षद विनोद जायसवाल जी, माननीय विधायक बच्चा पांडे जी, पूर्व मंत्री इंद्रदेव प्रसाद जी, अमर यादव जी, माणिक चंद्र राय जी, रियाजुल हक राजू जी, माननीय विधायक सत्यदेव राम जी, पूर्व विधायक अमरनाथ यादव जी और यहाँ महागठबंधन के सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और सिवान के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे अभिभावक बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ हमारे भाई और माताएं बहनें उपस्थित हैं और नौजवान युवा साथी सभी लोगों का आज जन विश्वास यात्रा के तहत आप लोग जो आए हैं, आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। देखिए जन विश्वास यात्रा में हम आप लोगों के बीच आए हैं। हम लोगों को 17 महीने सरकार में काम करने का मौका मिला और जो हम लोगों का कमिटमेंट था 2020 में कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं और जो कहा उसको हम लोगों ने किया। केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया, लेकिन चाचा जी पलट गए। बिहार विधानसभा में जब भाषण देने का मौका मिला तो हमने भाजपा के लोगों से पूछा, अरे भाजपा के लोगों बताओ, मोदी जी का गारंटी तो सबसे मजबूत वाला ना गारंटी होता है, मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, हमारे चाचा का गारंटी लोगे कि फिर पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे जरा बता दो। कोई भाजपा का लोग सब चुप बैठ गया। एक भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं कि हम लोग नीतीश जी का गारंटी नहीं ले सकते। एक नहीं दो दो डिप्टी सीएम है एक दूसरे का मुंह ताकते रहेंगे, लेकिन कोई मुख्यमंत्री जी का गारंटी नहीं लिया। लेकिन आप सिवान की महान जनता ने 2020 के चुनाव में आप लोगों ने जो आशीर्वाद समर्थन जो ताकत दिया जो प्यार दिया, जिले में से 4 सीट जो है आप लोगों ने जिताया था और इसी स्थल पर हम अवध बिहारी चौधरी जी के लिए प्रचार करने आए थे, हमको याद है। आप लोगों ने जो प्यार समर्थन आशीर्वाद दिया जो ताकत दी उसके बदौलत राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी और प्री पोल अलायंस में हमारा महागठबंधन सबसे बड़ा बना। चंडीगढ़ में क्या हुआ आप लोगों ने देखा, मेयर के चुनाव में बैलेट पे कैसे लाड को वोट रद्द कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के लोग जो पैमाने किए थे जो अधिकारी थे उसको हटा करके जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कैंडिडेट था उसको दोबारा मेयर बनाने का काम किया। तो जो वोट रद्द किया था आप लोग 2020 में तो सरकार बना दिए थे हम लोगों का,